स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 10 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है बट उतना ही इम्पॉर्टेंट भी है, तो अच्छे से समझना है। इस वीडियो में चैप्टर के अबाउट जो इंट्रोडक्शन पार्ट है इसको कवर किया जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से इसके ऊपर जो एक्सरसाइजेज है फ्रॉम एनसीईआरटी इसके वीडियोज भी अपलोड होंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री को कि ये होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ ग्रीक वर्ड के थ्री लेटर्स से मिलकर ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बना है, और वो थ्री लेटर्स कौन कौन से हैं, तो पहला है ट्राई, देन गॉन, और थर्ड वर्ड इज मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है थ्री, ठीक है, ट्राई मीन्स थ्री। गॉन की बात करें तो इट मीन्स साइड्स, और मेट्रॉन की बात करें तो इट मीन्स मेजर, ठीक है। तो थ्री साइड्स किस पॉलीगन में होता है, तो ट्रायंगल। तो जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो यहाँ पे ट्रायंगल के बारे में ही बात कर रहे होंगे, और किस टाइप का ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखें अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करें ए बी सी, यहाँ पे राइट एंगल एट बी है इस केस में। तो देखिए जब भी इस टाइप का ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब एक जो एंगल होगा ट्रायंगल का वो 90 डिग्री होगा, तो ऑब्वियसली ये जो दो एंगल होंगे ये एक्यूट एंगल्स कहलाएंगे, मीन्स लेस देन 90। अब देखिए यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी जो साइड है इस ट्रायंगल का ये परपेंडिकुलर है ऑन बी सी, ये क्लियर। और इसी फिगर में ये भी लिखा जा सकता है कि ये जो BC साइड है ये परपेंडिकुलर है ऑन AB। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल के तीन साइड्स हैं इसमें से एक साइड परपेंडिकुलर कहलाएगा, दूसरा बेस, और तीसरा हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि परपेंडिकुलर में इसे कंसीडर करना है या इसे कंसीडर करना है, तो ये डिपेंड करता है कि आप एंगल जो है वो किस वर्टेक्स से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्जर्विंग पॉइंट कहाँ है। मान लेते हैं ये जो एक्यूट एंगल है यहाँ पे ऑब्जर्विंग पॉइंट है, मीन्स एंगल ए से आप देख रहे हैं, तो यहाँ इस एंगल से देखने पे आपको एक जो स्टैंड वाला साइड है जो सीधा खड़ा है वो कौन सा साइड दिख रहा है, ये बी सी साइड। तो इस एंगल के सामने जो भी साइड बन रहा है, ठीक है, ये कहलाएगा परपेंडिकुलर। अगर एंगल ए पे है तो ऑब्जर्विंग पॉइंट ए पे है, तो इस एंगल के सामने वाला जो साइड है ट्रायंगल का ये साइड कहलाता है परपेंडिकुलर। और ये जो परपेंडिकुलर जिस साइड पे है, ठीक है, अब आप खड़े होंगे तो एक बेस चाहिए, हवा में तो खड़े होंगे नहीं, तो ये जो परपेंडिकुलर जिस साइड पे है ट्रायंगल के उस साइड को कहा जाता है बेस। तो ये जो थर्ड साइड बचा इसको कहेंगे हम हाइपोटेन्यूस, क्लियर। अब देखिए अब अगर ऑब्जर्विंग पॉइंट यानी कि एंगल ये सी पे होता इसी ट्रायंगल में, तो अब यहां से जब आप देखेंगे ऑब्जर्विंग पॉइंट अगर इस सी पे है, एंगल ये सी आप कंसीडर करेंगे, तो यहां से देखने पे आपको कौन सा साइड स्टैंड दिख रहा है, ये वाला साइड, मीन्स अब इस एंगल की जो सामने वाला जो साइड है यानी कि ए बी, इस केस में जब हम एंगल यहां सी पे कंसीडर करेंगे, ऑब्जर्विंग पॉइंट सी पे कंसीडर करेंगे, तो इसके सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर कहलाएगा, परपेंडिकुलर। अगेन अब ये जो परपेंडिकुलर है ये खड़ा होगा तो ऑब्वियसली एक बेस चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर जिस साइड पे स्टैंड कर रहा है ये जो साइड कहलाएगा ट्रायंगल का ये कहलाएगा बेस। अब जैसे ये परपेंडिकुलर इस साइड पे स्टैंड कर रहा था तो ये बेस कहलाया, यहाँ परपेंडिकुलर इस साइड पे स्टैंड कर रहा है तो ये वाला जो साइड है ये बेस कहलाएगा, लेकिन दोनों ही केस में देखिए हाइपोटेनियस ये सेम है, ठीक है। चेंज क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर एंड बेस क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए ए बी परपेंडिकुलर ऑन बी सी या फिर बी सी परपेंडिकुलर ऑन ए बी है, तो अब किस वाले साइड को आप परपेंडिकुलर कहेंगे और किस वाले साइड को बेस कहेंगे ये डिपेंड करता है कि वो एक्यूट एंगल आप जो ऑब्जर्विंग पॉइंट है वो कहाँ पे है। यहाँ ये दोनों ही एक्यूट एंगल है क्योंकि ये राइट एंगल है,
ठीक है। तो अगर एक्यूट एंगल हम ये कंसीडर कर रहे हैं जहां से ऑब्जर्विंग पॉइंट है, तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर जिस साइड पे है वो बेस, और जो थर्ड साइड है वो हाइपोटेन्यूस कहलाएगा। यहाँ पे हम यहाँ से ऑब्जर्विंग पॉइंट है, यहाँ से देख रहे हैं, तो एंगल अगर सी कंसीडर कर रहे हैं तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, और ये साइड जिस साइड पे है ये बेस, एंड द थर्ड साइड विल बी हाइपोटेन्यूस। ये क्लियर? तो देखिए, थ्री साइड्स मीन्स ट्रायंगल की बातें हो रही है। किस टाइप का ट्रायंगल? तो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और मेजर, कहने मतलब कि इनके बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना। ये जो एंगल है और ये जो साइड्स है ऑफ द ट्रायंगल, इसी के स्टडी को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ये क्लियर? अब देखिए, यहाँ पे जो हम रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं बिटवीन द साइड्स एंड द एक्यूट एंगल्स, तो यहाँ कुछ रेशियोज हैं, उन रेशियोज को कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। थ्रू रेशियोज हम इनके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम डिफाइन कर सकते हैं, रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स। अब देखिए, अगर बी पे राइट एंगल है तो एक्यूट एंगल या तो ए कंसीडर करेंगे या तो सी, ये दोनों ही एक्यूट एंगल कहलाएंगे। तो ऑब्जर्विंग पॉइंट या तो ए पे होगा या तो सी पे होगा। तो इस एक्यूट एंगल से देखने पे ये जो साइड्स के बीच में जो रेशियो है, जो रिलेशन बन रहा है, इसी को हम विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आइडेंटिफाई करते हैं। तो रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब यहाँ पे मेनली सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पढ़ने हैं। वो सिक्स कौन कौन से हैं? तो अगर हम इसको अलग कर दें, अगर हम यहाँ पे ए पे ऑब्जर्विंग पॉइंट मान रहे हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला है साइन, दूसरा है कोसाइन, तीसरा है टेंजेंट, चौथा कहलाता है आपका कोसिकेंट, पांचवा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपको पढ़ने हैं दैट इज कॉल्ड सिकेंट, एंड सिक्स्थ इज कोटेंजेंट। क्लियर? तो अब यहाँ ऑब्जर्विंग पॉइंट कहाँ है? ए पे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, एंड कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, सिकेंट ऑफ एंगल ए, एंड को टेंजेंट ऑफ एंगल ए। ये क्लियर? इसको हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, साइन ए से कोसाइन ऑफ एंगल ए, इसे लिखा जा सकता है कॉस ए, मीन्स कोसाइन ऑफ एंगल ए। टेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसको हम लिख सकते हैं टेन ए। कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक ए। सिकेंट ऑफ एंगल ए, इसको हम सेक ए लिखते हैं। को टेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसको हम कॉट ए लिखते हैं। ये क्लियर? तो ये जो सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये आपको पढ़ना है। और ये क्या है? इट इज नथिंग बट द रेशियो बिटवीन द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल्स। क्लियर? तो अब यहाँ पे साइन ए ये किन दो साइड्स के रेशियो को बताता है? तो यहाँ पे इसके लिए ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है? देखिए, सिंपली दिमाग में याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर हर भोले। एक पंडित जी है जिनका नाम है पंडित बद्री प्रसाद, क्या बोलते हैं वो? हर हर भोले। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक भी है। देखिए, ये शॉर्ट ट्रिक है साइन कॉस और टेन, और इन्हीं का रेसिप्रोकल ये कहलाता है। तो ये तीन अगर दिमाग में है तो ये तीन ऑटोमेटिक दिमाग में रहेगा। तो साइन में देखिए पंडित का पी लिख दीजिए, कॉस में बद्री का बी, टेन में प्रसाद का पी। ये क्लियर? और नीचे जो है आएगा हर हर भोले, तो हर का एच, हर का एच और भोले का बी। तो यहाँ पे साइन ए ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस।
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन कॉसेक, ठीक है। कॉसेक जो है ये रेसिप्रोकल होता है साइन का, इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन साइन ए। अब साइन, साइन ए आपके दिमाग में है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसका रेसिप्रोकल कीजिए तो क्या बन जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, क्लियर। सेक ये रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस ए। कॉस ए आप लिख चुके हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक ए ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, क्लियर। कोटेंजेंट यानी कि कॉट ए ये रेसिप्रोकल होता है टेन का, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपको सिंपली याद रखना है कि साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तीन दिमाग में है तो ये तीन ऑटोमेटिक दिमाग में रहेगा। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, क्लियर। और ये ट्रिक भी है पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, HHB, तो ऐसे भी दिमाग में रखते हैं। जो आपको दिमाग में रखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अब स्पेसिफिक एंगल्स कहने मतलब ये जो हम एंगल ए कंसीडर कर रहे थे, ये यदि 0 डिग्री हो या फिर 30 डिग्री हो या 45 डिग्री हो या 60 डिग्री हो या 90 डिग्री हो, तो इन एंगल्स में इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, तो ये आपको दिमाग में रखना है। इट मीन्स अगर हम 0 डिग्री की बात करें तो व्हाट विल बी द एग्जैक्ट वैल्यू फॉर साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री, कॉसेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री और कॉट 0 डिग्री। इन द सेम वे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस 60 डिग्री, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेन 60 डिग्री या फिर टेन 90 डिग्री। तो ये जो टेबल है ये आपको दिमाग में रखना है। तो देखिए इसके लिए भी ट्रिक है, ट्रिक के थ्रू आप बड़ी इजीली इसको दिमाग में रख सकते हैं। सबसे पहले आपको साइन की सारी वैल्यू दिमाग में है तो ये सारे ऑटोमेटिक आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, देखिए कैसे। और साइन इसके लिए भी ट्रिक है, क्या ट्रिक है, तो सबसे पहले आप यहाँ लिख दीजिए 0, 1, 2, 3, 4, ये क्लियर। अब हर जगह डिनोमिनेटर में अपॉन 4 लिख दीजिए, तो डिनोमिनेटर में हर जगह 4 लिख दिए, ये क्लियर। अब हर जगह रूट लगा दीजिए, ये क्लियर। नाउ 0 अपॉन 4, 0 रूट 0 ये क्या होगा, 0, तो साइन 0 डिग्री ये होता है 0। अब यहाँ रूट ओवर 1 अपॉन 4 है, नेगेटिव निगलेक्ट करना है। क्यों निगलेक्ट करना है, क्योंकि ये जो रेशियोज है ये क्या है, इट इज द रेशियो बिटवीन द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, और साइड्स ऑफ द ट्रायंगल की बात करें तो इनकी लेंथ इट कैन नॉट बी नेगेटिव। रूट ओवर 1 अपॉन 4 की बात करें तो ये होता तो प्लस माइनस 1 अपॉन 2 है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव को नेगलेक्ट कर देना है क्योंकि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहाँ पे रूट ओवर 1 अपॉन 4 ये हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2, तो साइन 30 डिग्री ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, क्लियर। नाउ 2 से 4 2 टाइम्स में कैंसिल, तो रूट ओवर 1 अपॉन 2, तो रूट 1 1 और नीचे हो जाएगा रूट 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2, तो साइन 45 डिग्री ये होता है 1 अपॉन रूट 2। अब यहाँ ऊपर है रूट 3 और नीचे है रूट 4, तो रूट 4 को हम 2 लिख सकते हैं, तो साइन 60 डिग्री ये होता है रूट 3 अपॉन 2। अब ये 4 और ये 4 कैंसिल, रूट 1 ये हो जाएगा 1, तो साइन 90 डिग्री ये हो जाएगा 1। अब अगर आपने साइन इनकी वैल्यूज को फाइंड कर लिया तो ये बड़े इजीली आप फाइंड कर सकते हैं, कैसे। तो देखिए अब यहाँ जो है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट यहाँ पे लिखना है, स्टार्ट कर दीजिए सबसे पहले 1, तो यहाँ लिख दीजिए 1, देन रूट 3 अपॉन 2 यहाँ आ जाएगा, इसके बाद है 1 अपॉन रूट 2 ये यहाँ आ जाएगा, अब इसके बाद है 1 अपॉन 2 ये यहाँ लिख दीजिए, इसके बाद है 0,
ये यहां लिख दीजिए। कॉस की भी सारी वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। अब टेन, इसके लिए आपको सिंपली दिमाग में रखना है टेन ए, इसको हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, क्लियर। तो दिस अपॉन दिस यहां लिखना है, तो जीरो अपॉन वन ये हो जाएगा जीरो, तो यहां लिख दीजिए जीरो। यहां है वन अपॉन टू अपॉन रूट थ्री अपॉन टू, ये टू कैंसिल, वन अपॉन रूट थ्री, तो यहाँ आ जाएगा वन अपॉन रूट थ्री, ये क्लियर। यहाँ ये दोनों सेम है तो वन अपॉन रूट टू अपॉन वन अपॉन रूट टू, ये कैंसिल होके वन हो जाएगा, दोनों सेम है तो यहाँ आ गया वन। यहाँ पे नीचे का टू और यहाँ नीचे का टू कैंसिल, तो ये आ गया रूट थ्री अपॉन वन, यानी कि रूट थ्री। अब यहाँ है वन अपॉन जीरो, डिनोमिनेटर में अगर जीरो है तो ये हो जाएगा इन्फाइनाइट, यानी कि नॉट डिफाइंड, तो यहाँ आपको लिख देना है नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं, क्लियर। नाउ कॉसेक, कॉसेक हम जानते हैं ये रेसिप्रोकल होता है साइन का, कॉसेक ए, इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन साइन ए, तो यहां पे इन सबको रेसिप्रोकेट कर देना है, तो जीरो जीरो का रेसिप्रोकल वन अपॉन जीरो, अब यहां अगेन नीचे जीरो आ गया तो दैट विल बी इनफाइनाइट, तो यहां लिख दीजिए नॉट डिफाइंड। वन अपॉन टू, इसका रेसिप्रोकल टू अपॉन वन, यानी कि टू। वन अपॉन रूट टू का रेसिप्रोकल रूट टू अपॉन वन, यानी कि रूट टू। रूट थ्री अपॉन टू का रेसिप्रोकल टू अपॉन रूट थ्री। वन का रेसिप्रोकल वन अपॉन वन, वन ही होगा, क्लियर। अब यहां है सेक, सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो अब इन सबको रेसिप्रोकल करके यहां लिख देना है, वन का रेसिप्रोकल वन अपॉन वन, वन ही होगा। रूट थ्री अपॉन टू का रेसिप्रोकल टू अपॉन रूट थ्री। वन अपॉन रूट टू का रेसिप्रोकल रूट टू अपॉन वन, यानी कि रूट टू। देन वन अपॉन टू का रेसिप्रोकल टू अपॉन वन, यानी कि टू। अब जीरो का रेसिप्रोकल, जीरो का रेसिप्रोकल वन अपॉन जीरो, यानी कि इनफाइनाइट, तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड, और इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी इनफाइनाइट लिखा जा सकता है। नाउ अब बचा कॉट, तो ये रेसिप्रोकल होता है टेन का, कॉट ए को हम लिख सकते हैं वन अपॉन टेन ए, तो यहाँ पे इन सब का रेसिप्रोकल यहाँ लिख दीजिए, तो जीरो का रेसिप्रोकल तो वन अपॉन जीरो, यानी कि इनफाइनाइट, तो नॉट डिफाइंड। वन अपॉन रूट थ्री का रेसिप्रोकल रूट थ्री अपॉन वन, यानी कि रूट थ्री। वन का रेसिप्रोकल वन अपॉन वन, वन। रूट थ्री का रेसिप्रोकल वन अपॉन रूट थ्री, नॉट डिफाइंड यानी कि इनफाइनाइट, तो वन अपॉन इनफाइनाइट ये होता है जीरो, यानी कि नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल यानी कि इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल जीरो, तो यहाँ पे इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल जीरो। देखिए सिर्फ आपने ये दिमाग में रखा और इसके लिए भी ट्रिक था, ये सारा टेबल बड़ी इजली फिल हो गया। तो इस तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आपको दिमाग में रखने ही है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो इस तरीके से आप इसको दिमाग में रख सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्रिक के जो आपको दिमाग में रखने हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज की बात करें, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि साइन ए, इसे हम लिख सकते हैं वन अपॉन कॉसेक ए, या फिर कॉसेक ए अगर लिखना हो तो इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन साइन ए, तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, या फिर कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन, ये क्लियर। इसके बाद अगर हम कॉस की बात करें तो ये रेसिप्रोकल होता है सेक का, या फिर अगर हम सेक की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, क्लियर। थर्ड टेन की बात करें तो ये रेसिप्रोकल होता है कॉट का, या फिर कॉट की अगर बात करें तो ये रेसिप्रोकल होता है टेन का, तो वी कैन राइट कॉट ए इक्वल्स टू वन अपॉन टेन ए, या फिर टेन ए इक्वल्स टू वन अपॉन कॉट ए, क्लियर। नाउ इसके बाद टेन ए, इसको हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, क्लियर। इन द सेम वे अगर हम कॉट ए लिखना चाहते हैं तो कॉट रेसिप्रोकल होता है टेन का, तो ये दिमाग में है तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो कॉस ए अपॉन साइन ए ये बन जाएगा
फोर्टी, क्लियर। अब इसके बाद कुछ पाइथागोरियन आइडेंटिटीज है जो आपको दिमाग में रखने हैं। तो पहला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये इक्वल्स टू होता है 1। दूसरा है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये भी इक्वल्स टू होता है 1। एंड थर्ड वन इज कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये भी इक्वल होता है 1 के। अब अगर ये तीन आइडेंटिटीज दिमाग में है तो हर एक से दो और आइडेंटिटीज हम बना सकते हैं। देखिए कैसे, अगर यहाँ से हम साइन स्क्वायर ए लिखना चाहते हैं तो साइन स्क्वायर ए इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये 1, और ये कॉस स्क्वायर ए राइट में गया तो माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से एक और आइडेंटिटी मिल गया कि साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ये दिमाग में है तो देखिए यहाँ से अगर आप कॉस स्क्वायर ए लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ 1 है और इस साइन स्क्वायर ए को राइट में भेजे तो माइनस साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए की बात करें तो ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये दिमाग में है तो ये दो ऑटोमेटिक दिमाग में रहेगा। अब सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ से अगर आप सेक स्क्वायर ए लिखना चाहते हैं तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ ये 1 एज इट इज माइनस टेन स्क्वायर ए राइट में भेजिए तो प्लस टेन स्क्वायर ए, क्लियर। अब यहाँ से अगर आप टेन स्क्वायर ए लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए ये टेन स्क्वायर ए राइट में गया और यहाँ था सेक स्क्वायर ए, और ये 1 को लेफ्ट में ले आइए तो माइनस 1, ये क्लियर। तो यहाँ से टेन स्क्वायर ए ये लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्लियर। अब यहाँ से अगर आपको कॉसेक स्क्वायर ए लिखना है तो ये आप लिख सकते हैं 1, और ये राइट में भेजिए तो प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्लियर। अब यदि आप यहाँ से कॉट स्क्वायर ए लिखना चाहते हैं तो ये तो राइट में चला गया तो कॉट स्क्वायर ए, ये क्या बनेगा कॉसेक स्क्वायर ए, और ये 1 को लेफ्ट में ले आइए तो माइनस 1। कॉट स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये तीन आइडेंटिटी और दिमाग में है, तो ये 6 और आइडेंटिटी ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा, ये क्लियर। अब इसमें से अगर आपको इसको प्रूव भी करना है तो आप कर सकते हैं। देखिए साइन इसको हम लिखते हैं पी अपॉन एच, तो साइन स्क्वायर ए लिखने का मतलब साइन ए का होल स्क्वायर भी इसको लिखा जा सकता है, तो यानी कि पी अपॉन एच का स्क्वायर। और कॉस स्क्वायर ए इसको हम लिख सकते हैं कॉस को बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये क्लियर। तो ये हो गया पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और यहाँ से मिल गया बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, यहाँ नीचे एल सी एम एच स्क्वायर, ऊपर आ गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये राइट एंगल ट्रायंगल में हम यूज कर रहे हैं तो हम राइट एंगल ट्रायंगल में जानते हैं कि वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम, और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो अब इसको यहाँ यूज अगर करें तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके प्लेस पे लिख सकते हैं एच स्क्वायर, तो यहाँ पे ये आ जाएगा एच स्क्वायर, और नीचे एच स्क्वायर ही था, ये कैंसिल, ये इक्वल्स टू 1। और इस तरीके से इनको भी प्रूफ किया जा सकता है। तो आई होप कि ये जो आइडेंटिटीज हैं ये दिमाग में अच्छे से आपके रहे, ये अगेन इम्पोर्टेंट।